आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2020 का 13 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट वन का मैथ का क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बारी बारी से 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई डीलर्स ए बी सी डी ई, 5 डीलर हैं जो कि कार को बेचते हैं 6 महीने में 2018 में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी, जनवरी में बी के द्वारा बेचा गया कार, जनवरी अप्रैल और जून में बी के द्वारा बेचा गया कार का, और कार सोल्ड बाय ए एंड डी इन मार्च, इसका रेशियो निकालना है हमें। तो बी के द्वारा जनवरी अप्रैल और जून में कितने कार बेचे गए हैं? 600 प्लस अप्रैल में आपको बेचे गए हैं 580 प्लस, और जून में बेचे गए हैं 620। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है? कार सोल्ड बाय ए एंड डी इन मार्च, मार्च में ए और डी के द्वारा 628 और 722, इनका सम करना है। तो ऊपर वाले का सम करने पे आपको 6 5 11 6 17 1700 हो गया, और 80 और 20 100, 1800 टोटल ऊपर हो गया बटे 8, तो 6 7 13 13 कर सकते हैं 1300 इन दोनों को जोड़ने पे, और 28 और 22 कितना होता है? 50, 1350। पंद्रह नम्मा 130, 15 का 15 2 12 4 3, सॉरी 3 का 4 और 3, 4:3 रेशियो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए बताते हैं, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ये दो, अब दोनों साथ काम, इसमें बी भी है और दोनों ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, इसमें बी जो है और ये अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं, बी पहले काम करता है फिर अगले दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन बी काम करता है फिर अगले दिन ए काम करता है, इस तरह से इन्होंने इस काम को 11 पूर्णांक 1/3 दिन में पूरा किया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी ने अकेले टोटल काम का 7/9 कितने दिनों में किया था? तो चलिए देखते हैं, ए पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन दोनों ने जब मिल के काम किया तो बी पहले दिन, ए दूसरे दिन, फिर बी पहले तीसरे दिन, फिर ए चौथे दिन, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, कितना हो गया? 3 3 6 2 8, फिर बी, फिर ए, 8 तो 10, 3 बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए 3 3 6 2 8 2 10, और फिर लास्ट काम को ए करेगा, लास्ट दिन ए 1/3 काम होगा। तो बी ने कितने दिन काम किया? 1 2 3 4 5 और 6 दिन, बी ने 6 दिन काम किया है। तो और एक तो ए ने कितने दिन काम किया था? 11 पूर्णांक 1/3 माइनस 6 दिन, टोटल हो जाएगा आपको 34/3 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपको 3 6 18 1 16/3। ए ने 16/3 दिन काम किया इसमें, और एक टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? 24 दिन में, मतलब एक दिन में ये कितना काम करता है?
1/24, तो 16/3 दिन में कितना काम करेगा? 16/3 × 1/24, दो बट्टे नौ। तो ए ने कितना काम किया? 2/9, तो बचा कितना काम? 1 माइनस, एक माइनस 2/9, बचा 7/9 काम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी 7/9 काम को, टोटल काम के 7/9 काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो टोटल काम एक है, तो उसका 7/9 काम करने में बी को कितना दिन लगा? 6 दिन। बी ने टोटल 6 दिन काम किया था, ए ने 2/9 काम को पूरा किया, तो बचा हुआ काम 7/9 को बी ने किया था, उसने किया था कितने दिन में? 6 दिन में। आंसर इसका 6 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सिंपल है। 20 40 लिख सकते हैं, गुने 9 भागा 6 गुने 3 माइनस 10/40 लिख सकते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे 1/2 लिख सकते हैं, गुने 9/6 × 3 लिख सकते हैं, माइनस 1/4 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये 6 दूनी, ये इधर कट गया 2, तो ये 9/2 × 2 लिख सकते हैं, माइनस 1/4, इसको हम लोग 8/4 लिख सकते हैं, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझना होगा आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो पॉइंट है एक नदी में, एक्स और वाई। पी एंड क्यू डिवाइड द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इंटू पी, और क्यू जो है वो दो पॉइंट है इसी लाइन पे, एक्स और वाई लाइन पे, जिसने इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे देखिए यहाँ पे पी कर देते हैं, यहाँ पे क्यू कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये इक्वल होगा, एक्स पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू वाई। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रिवर फ्लोज अलॉन्ग एक्स एंड एक्स से वाई, रिवर जो है एक्स से वाई की तरफ बहती है, एंड द टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू, एक्स टू क्यू जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम वाई टू क्यू जाने में उसका, हाँ सॉरी, जितना टाइम एक्स से क्यू जाने का लगता है और वाई से क्यू आने का लगता है, उसका रेशियो 4 से 5 है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए एक्स से क्यू की तरफ जाएगी तो वो बी बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड होगा, और जब वाई से क्यू आएगी तो ये माइनस में बी माइनस एस के स्पीस का स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस ये मान लेते हैं डी, ये भी मान लेते हैं डी और ये भी मान लेते हैं डी, तो एक्स से क्यू तक कितना डिस्टेंस हो गया? 2D/B+S। और इसका रेशियो किससे करना है? इससे, D/B-S इक्वल टू रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो 2D/B+S गुने B-S/D इक्वल टू 4:5। ये और ये कट गया, डी डी से, सॉरी सॉरी, डी और डी से कटा, ये 2 इसको काट दिया, तो B-S=2 और B+S=B-S/B+S=5। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से हमको बोट का पता चल जाएगा, बोट 3.5 हो जाएगा और एस आपको 1.5 हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इनटू डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड का रेशियो और सिर्फ स्ट्रीम का रेशियो का कितना होगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट का स्पीड हो जाएगा आपको 5, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है 1.5, ये इसको ऊपर लेगा 10, 10:3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पी हमें पता है, पी कितना है 8192, पी इतना है, टाइम इतना है, रेट इतना है। तो हम लोग रेट को 5 मंथली के हिसाब से बदल देंगे, तो नया रेट हो जाएगा आपको 15% गुने 5/12, 3 चौक 3 पंचे, नया रेट हो गया 25/4%, जिसको हम लोग 1/16 लिख सकते हैं। तो 15 महीना के लिए ये वाला जो टाइम है, इसको अगर आप मंथ में बदलेंगे तो टाइम आपका 4 1 5/4 × 12, नया टाइम आपको मंथ में 15 मंथ हो जाएगा, और 5 महीने के हिसाब से लग रहा है तो 3 बार लगेगा, तो 16 17 में बदल रहा है 3 बार। ये आपको हो जाएगा 496, और ये 4913। क्यूब करने का एक ट्रिक, इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्यूब करने का एक ट्रिक भी होता है जो कि आपको यहीं, आप कहीं भी यूट्यूब से सीख सकते हैं, या फिर इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पी हो गया, और ये टोटल अमाउंट हो गया। तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग 4096 इक्वल टू बराबर हो गया 8192, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8192/4096, सॉरी 1/2 हो गया। और यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको इसमें से डिवाइड कर माइनस कर दें, 4096, 13 में से 6 गया तो 7, 10 में से 9 गया तो 1, ये 8। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अब मतलब परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन रियल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 × 801 = 17, तो 1634 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखना है, एक कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्किल ऑफ अ डायमीटर 25। एक सर्किल है जिसका डायमीटर 25 है, इसमें एक कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, एक कॉर्ड है 21 का, इस पर एक परपेंडिकुलर है, रेडियस इसका हो गया आपको 12.5, या इसको आप 25.25/2 भी कर लिख सकते हैं। तब तक कॉर्ड 21 का है, तो ये यहाँ पे पड़ेगा, तो ये इसका आधा हो जाएगा, इसका इतना ओ ए बी, ओ बी बराबर हमें पता है 25/2, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपको 21/2, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको सेंटर से किसी कॉर्ड पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो इसको आधे में, कॉर्ड को आधे में डिवाइड कर देता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर कॉर्ड से, कॉर्ड का ये ओ ए का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हमें आंसर ला देगा। तो हम लोग कर लेते हैं, 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 625/3,
चार माइनस 441 बटे चार इक्वल टू हो जाएगा आपको, पांच में से एक गया तो चार, या तो आठ, पांच में से गया तो चार, 84 बटे चार इक्वल टू हो जाएगा आपको, चार चौक 16, चार छक्के 46, इतना आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मेल का टोटल टोटल मेल निकालना होगा और बटे फीमेल, टोटल मेल कितना है, 5, 7, 5, 12, 8, 20, 7, 27, 9, 36, 7 में 3, 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 6, 18, इधर फिर 8, 6, 5 फीमेल हो गई, 5, 1, 6, 5, 11, 9, 20, 7, 2, 9, 5, 14, 2, 16, 8, 24, 5, 29, 3, 2, 5, 6, 11, 5, 16, 8, 24, 7, 2, 3, 6, 2, 8, 5 का 5, फिर 5 का 5, 8 में 3, 36, 5, 7, 35, 3 तिहत्तर, 5 का 5, 5, 6, 30, 5, 9, 45, 8, 3, 3, 9, 3 से काट के देखते हैं, 3, 3, 9, 3, 27, 7 में 1, 3, 5, 15, 3, 6, 18, इतना ये आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। थीटा बराबर 60 डिग्री रख देते हैं, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1/4, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1/3, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 3/4 -1, 1/4, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 4 + 9 -1, 1/4, 1/12, ये आपको हो जाएगा 3। तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम टेन थीटा की जगह 60 डिग्री सेट करेंगे, तो 10 60 डिग्री कितना होता है, √3, और कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है, 2/√3, ये आपको हो जाएगा √3, 3 + 2, 5/√3, इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो 5√3/3 लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज सब्ट्रैक्ट व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना 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 द नंबर्स ऑब्टेन इन ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो ये एक समान अनुपात में हमें मिलेगा अगर इसमें से हम एक्स घटाएंगे, तो सभी में से एक्स घटाना है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो है सबसे अच्छा तरीका, इसका ऑप्शन से ही आप इसे बनाएं, लेकिन एक और तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नंबर 19, 28, 55, 91, इन दोनों का अंतर कितना है, 9, और इन दोनों का अंतर कितना है, 36। अरे यार, 36 है और इधर 9 है, तो हमें इस वाले साइड को भी 36 लाने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा ऊपर, इसको गुने 4 कर देंगे तो 76 -4x, और ये तो है ही, तो 55 -x, तो 76 में से इधर ये गया तो ये 3x, ये गाइस x की वैल्यू आपको आ गई 7, इसका आंसर 7 होगा। एक तो आप इसे ऑप्शंस भी बना सकते थे, ऑप्शन इसमें आप हर जगह एक पहले ऑप्शन का 5 सेट करके देखें, नहीं आपको आंसर आएगा कि नहीं आएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
ए शॉप कीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक। एक आदमी एक किताब को बेचने पे 21% का प्रॉफिट कमाता है, एंड और 21% का डिस्काउंट देने के बाद वो 21% का प्रॉफिट कमाता है। तो मान लेते हैं MP 100, SP 21% का डिस्काउंट दिया तो SP हो जाएगा आपको 79, और इसने 21% का प्रॉफिट कमाया तो हम लोग CP निकालेंगे, 79/121×100, ये इसका CP हो जाएगा। अब हमें निकालना है CP और SP का रेशियो, तो CP कितना है, 79/121×100, और SP कितना है, 79। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 79/121×79×100, ये और ये कट गया तो इसका आंसर कितना हो गया, 100/121। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इतना होता है। अब हमें इसमें सेट करना है इस वाले फॉर्मूले को, तो हम लोग 8x, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, टू इन मतलब ये 8 जो है ये 2 का पावर क्यूब है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, तो इसको हम लोग 2x+2y लिख सकते हैं, और माइनस ये 3 का पावर क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x-3y ऊपर में क्यूब। अब इसे ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूले पे सेट करेंगे। तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो पहले वाले में 2x+2y माइनस 3x+3y लिखेंगे। आगे चलते हैं, अब इस ए का स्क्वायर करेंगे, 4x²+4y²+8xy। अब बी का स्क्वायर करेंगे, 9x²+9y²-12xy। अब ए को बी से गुना करेंगे इसके हिसाब से, तो चलिए करते हैं, 6x²-6xy+6xy-6y² लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा आपको 5y-x, 4x², 9x² और 6² ऐड करने पे 6 4 10 19, x² प्लस 4y²
9y² और 6y², तो 4 9 13, 13 में से 6 गया तो 7y², 8xy माइनस 12xy, ये और ये कट गया, सॉरी यहाँ पे 18xy है, 8xy माइनस 18xy 10xy हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हम ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू आ चुका है। सी का वैल्यू -10 होगा, ए का वैल्यू 7 हो जाएगा और बी का वैल्यू 19 हो जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा, 19 प्लस 7 प्लस 10 आपको 36 हो जाता है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि किस ईयर जो है सेल 90% से ज़्यादा हुआ है। तो 2015 में हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 125 सॉरी 1250 का 90% कितना होगा, 9 5 6 45, 12 9 108, 112, मतलब इतना होता है। लेकिन हुआ कितना है प्रोडक्शन, 1000, जो कि कम है। तो ये वाला ईयर में 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। अब आइए 2016 वाले में, 1400 का 90% निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 140 को सीधे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1260, यहाँ पे 1290 हुआ है, मतलब ये वाला ईयर है सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर 1450 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना को जीरो हटा देते, 9 5 6 45, 41, 9 का 9 1 13, 1305, इसमें 1305 होना चाहिए था 90% होने के लिए, लेकिन हुआ कितना है 1100, तो ये भी नहीं है। 2018 वाले में 1500 का 90% कितना होता है, 15 9 135, 1350 होता है, यहाँ पे है कितना 1450, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 1600 का 90% कितना होता है, 1440, और यहाँ हुआ है 1390, जो कि कम है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2016 और 2018 में 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। आंसर यहाँ आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कुछ ट्रिक पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक्स प्लस वन बट्टे एक्स इक्वल टू फोर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टे एक्स इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर आप कर दें 4 का और -2 कर दें तो 14 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स क्यूब प्लस वन बट्टे एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपको, इसका क्यूब कर दें 4 का और माइनस, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 64 माइनस 3 इंटू 4 करना होता है, तो ये आपको 52 हो जाएगा। अब हमें इस टर्म को इस टर्म से गुना करना है तो हमें आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर हम गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब से, तो क्या लिखाएगा, एक्स का पावर 5 प्लस वन बट्टे एक्स प्लस एक्स प्लस एक बट्टे एक्स का पावर 5। अब हर जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे आपको हो जाएगा 14 × 52 इक्वल टू एक्स का पावर 5 बट्टे प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 5, ये हो जाएगा आपको 4। तो 14 × 2 = 28, 14 × 5 = 70, 2 = 72, ये 4 इधर जाएगा तो ये माइनस 724 आंसर हो जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी का एरिया 64 सेंटीमीटर है और इसका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
एडी और पीटी दो मीडियन एक साथ इन पे खींचे गए हैं, तो पीटी जहाँ पे आपको 10.8 है तो एडी निकालना है। सिंपल है कि आप 10.8 बट्टे ये इसका एरिया का स्क्वायर अगर 81 है तो यहाँ 9 लिखें, साइड में बदल दें, 81 वो स्क्वायर में एरिया है, इसे साइड में बदलेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 64 है तो यहाँ 8 कर लें और इसे एक्स मान लें, या फिर इसे मैं ए डी लिख देता हूँ। इसको 90, 12 नंबर, 9 को 12 से, ये 10, और ये इधर हो गया, तो ए डी इक्वल टू आपको हो जाएगा 96/10 इक्वल टू 9.6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 28 नंबर का एवरेज कितना है? 77, तो 28 को मल्टीप्लाई कर दे 7 से, तो 28 को मल्टीप्लाई करना है हमें 77 से, तो 77 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 7 56, हाँ तो 5, 8 7 56 और 14 75, 75 तो 7 7 14 21, 2156 हो जाएगा। अब बोल रहा है पहले 14 नंबर का एवरेज 74 है, तो 14 × 74, 14 6 56, 14 7 98, 5 103। और आखिरी 15 डिजिट का 84, 15 6 60, 20, 126, दोनों को सम कर लेंगे, 6 6 3 9, 2 2 2296। कितना ज़्यादा है? 2156 में 0, 9 5 5 का 4 140। तो ये जो बीच का एक टर्म है 14th नंबर, वो 140 है। अगर हम इस नंबर को इस 28 इसमें से हटा दें तो फिर कितना एवरेज होगा, यही पूछा जा रहा है। तो 2156 - 140 कितना होता है? 6 5 में से 4 गया एक, तो ये इसको 27 से डिवाइड देना होगा, तो हम 27 से डिवाइड दे देते हैं, सात बार में लगा देते हैं, 27 49, 4 18। अब हम इसे 4 बार में लगा के देखते हैं, तो हो जाएगा इधर 80 और 108, घटाने पे आपको यहाँ पे आएगा आपको 16 2 18.07 बार में, लगभग 6 point something, तो 74.6 यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है और फिर पी क्यू आर ट्रायंगल, इसका एरिया 144 और इसका एरिया 49। ए बी कितना है? 12 है, बी सी 7 है, ए सी 9 है, हमें निकालना कितना है पी आर, ये वाला सिंपल है, 9/12 कर देते हैं, एरिया 144 है, इसको साइड में बदलेंगे तो उसके लिए हमें रूट करना होगा, और पी आर लिख देते हैं इधर 49 को, सॉरी 49 को हम लोग 7 लिखेंगे, 3 3 9, 3 6 12, 21/4 आंसर। इसमें क्या पूछ रहा है कि इन जुलाई 2018 द सेल्स ऑफ कार द डीलर डी इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एज द जून प्रीवियस मंथ। डी का जो है जून में, मई से जून में जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो जुलाई में भी उतना ही परसेंट ज़्यादा इंक्रीज करके इसका हमें निकालना है। तो मई में कितना था? 600, और जून में कितना है? 780। कितना इम्प्रूव हुआ? 180/600 × 100, 30% का इम्प्रूव हुआ। तो जुलाई में कितना होगा? 780 × 130/100, 13 8
104 91 और 10 101, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द सम ऑफ फ्रूट्स आर अबाउट एट 15, 15 फल को तो 40 रुपये की दर से ऐसा खरीदा जाता है, पर जरूरी नहीं है कि 15 ही फल खरीदे गए हो। तो 15 को 140, उसी तरह से सेम अमाउंट खर्चा करके 10 को 120 के रेट से खरीदा जाता है। और इसमें बोला गया है कि 132 बारह एक एक दर्जन मतलब 12 फलों को 132 रुपए के हिसाब से बेचा गया है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15 और 10 का, कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 फलों का 140 के हिसाब से कितना प्राइस हो गया, 280। और फिर इसमें से 30 फलों का 120 के हिसाब से 360। तो 60 फलों का सीपी कितना हो गया, 0, 814, 640। अब हमने खरीद बेचा किस हिसाब से, तो 12 फल को 132 के हिसाब से बेचा, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करके 60 वाले में ले आएंगे। तो 60 फल को कितने में बेचा, 5 × 10, 66। तो ये सीपी है, ये एसपी है। हमें फ़ायदा कितने का हुआ, 20 रुपये का, किस पे, 640 पे। परसेंटेज निकालेंगे, 32, 4×8 = 32 और 25। तो 25/8 को क्या लिखते हैं, 1 सर्कल है, ये भी एनडीसी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी और डी सी जब बढ़ेगा तो मिलेगा कहाँ पे, ई पे, और जब ए डी और बी सी बढ़ेगा तो मिलेगा कहाँ पे, एफ पे। ए डी सी आपको है 78 डिग्री और ई बी ई सी है 52 डिग्री। ए एफ बी निकालना है, ये निकालना है। तो ये 78 है, ये 52 है। तो इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है, 78 है, 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये 78 है तो ये कोना वाला कितना हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से ये 102 डिग्री हो जाएगा। ये 102 है और यहाँ पे ये फिर एक ट्रायंगल है, ये 102 है, ये आपको 50 है, तो टोटल हो गया 152। तो ये कितना हो गया, 28 डिग्री। इसका आंसर 28 डिग्री हो जाएगा। इसमें देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे इससे कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, 16/15। प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 4/xy = 16/15 लिख सकते हैं, 4। तो एक्स वाई बराबर आपको हो जाएगा 15/4। और आगे चलिए, इस टर्म का इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a³ + b³ बराबर क्या होता है। तो x³, यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x + y = q = x³+y³+3xy (x+y). तो x + y बराबर कितना है, 4। तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, x³ (x³) × x into y बराबर कितना है, 15/4। x + y कितना है, 4। तो 64 में से 45 जाएगा,
कितना हो जाएगा, 14 में से 5 कितना, 19, 19 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग से इसको बनाएंगे, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री सेट कर देते हैं, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, √2 -1 √2 +1 1। एलसीएम आपको पे 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, 2 + √2 -√2 -1 गया, 4 में से 1 गया तो 3। अब हमें हर ऑप्शन में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री सेट करना होगा, तो पहले वाले ऑप्शन में ही सेट करेंगे हम, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 2 + 1 3। तो पहला वाला सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, तो बी ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 2 आया, जो कि गलत है। सी पे चेक कर लेते हैं, 2 sec² तो 2 × 2 = 4 आ रहा है, ये भी गलत है, 1 - 1 = 0 आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाइड हुआ था, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसका एक साइड 13 सेंटीमीटर है, उसका एक डायगोनल आपको 24 है और दूसरा डायगोनल हमें इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें दूसरा डायगोनल भी निकालना होगा, तो एक डायगोनल अगर 24 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 12, ये 13 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे बनता है, ये इसका प्रॉपर्टीज है रोम्बस का, कि दो डायगोनल जहाँ पे कटता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, इसे आप पैथागोरस से निकाल सकते हैं, तो ये 5 है तो ये भी 5, तो टोटल 10, तो दूसरे डायगोनल का वैल्यू D1 अगर 10 है और D2 अगर 24 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 × 10 × 24, आपको आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का इनकम बी के इनकम से 45% ज़्यादा है, अगर ए 100 होगा तो बी 145। अब सी का इनकम जो है वो ए और बी के इनकम के सम का 60% कम है, तो 145 +200 कितना होता है, 245। 245 का 60% कम मतलब 40% कितना है, 2/5 98। अब डी जो है, डी के इनकम 20% मोर देन सी, सी से 20% ज़्यादा है, मतलब 98 का 6/5, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 5 का 5 19.6, 6 6 36, 54 57, 11.76। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी और डी, बी और डी के इनकम का डिफरेंस एक इतना है, तो हमें सी की इनकम निकालनी है, तो 17.6 इक्वल टू 132 00 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 132 00/ ये हमें सी का वैल्यू निकाल के देगा, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, कॉट 25 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री में एक इसका प्रॉपर्टीज होता है, अगर यहाँ पे कॉट 25 डिग्री है तो इसे हम टेन 65 डिग्री लिख सकते हैं, ये इसका एक प्रॉपर्टी है कि कॉट 25 डिग्री, कॉट थीटा जितना होता है ना
जैसे इसका मैं प्रॉपर्टी आपको बता दूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 1090 माइनस थीटा होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम कॉट 25 डिग्री को 1065 में बदल सकते हैं, और यहाँ पे 1065 है, इसको कॉट 65 है ये वाला, इसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉट 35 को हम 1055 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ कॉट 55 डिग्री है उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। अब बचा कितना, कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है, उसे हटा देते हैं, ये और ये एक हो गया, ये और ये एक हो गया, तो एक गुने एक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 × 7 × 11 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो 77 × 3 आपको हो जाता है 21, 23, 22। दो बार में लगाएंगे 2 का 2, 214। यहाँ 9 लिखेंगे, 8 बार में 9 बार में लगाते हैं, 9 का 9, 9 × 3 = 27, 2 = 20, 0, 14 में से 7 गया तो 7 गया, फिर 9, फिर अब 3 बार में लगाते हैं, 3 का 3, 3 × 2 = 6, 16। तो 99 में से 16 गया, तो इसका रियल 231 किसको काटेगा, तो उसमें 6, 7, 6, 9, 9 में से 16 को घटाना होगा, यहाँ पे हमें बस लास्ट दो टर्म से मतलब है, 83। तो एक्स की वैल्यू आपको हो गई 8 और वाई की वैल्यू हो गई 3। अब इस वाले टर्म पे सेट कर दें, 3 × 24, 5 × 3 = 15, 9, 9 आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, थैंक यू।